थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन वो अपनी फ्रेंडशिप को आगे लेके जा रहा है। उस तो अपनी पॉकेट मनी के लिए खेलते हैं, जेब गर्म करने के लिए खेलते हैं, बल्ला गर्म करने के लिए नहीं। कौन सा मर्जी दे दे नहीं चलेगा, ठीक है ना। बस हिजड़ों को साथ लेके जाएगा और बोलेगा इनको गांड दो इंडिया वालों को, हमें कप दे दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो उसने पिछली दफा भी की थी कि हम कप लेके आएंगे। पिछली दफा क्या लेके आए बाबा जी का ठुल्लू, इस दफा क्या लेके आएंगे वो तो 10 पूरे खेलने ही नहीं इन्होंने। अच्छा पहले टीम फाइनल से बाहर हो जाएंगे, कप से बाहर हो जाएंगे वो। खेले इलम तो बात करते ही नहीं, डेढ़ कनाल चाहता मुंह की कह रहे हैं भाई। आयरलैंड से जीत लें तो बड़ी बात है, आयरलैंड की भी टीम बहुत अच्छी लगाई रखो। और किसी का देखो, अब बंदा रात को भी ग्लासेस लगा के सोए, वॉशरूम में जाए ग्लासेस लगाए, क्या करे बंदा, अब इसका कोई हल बताओ। वो सही कह रहे हैं हिजड़ों के कैप्टन साहब, सही कह रहे हैं कि हमने सेमीफाइनल में नहीं जाना। वापसी आ रहा है खेलने के लिए, क्या कहेंगे, दो दिन बाद वापस देखेंगे किंग को। किंग की सेंचुरी नजर आ रही है मुझे तो। शुभमन गिल की यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी बड़ी आंखों की बीमारी है, गर्म है अल्लाह का, तारफ कराने की जरूरत तो नहीं है। नहीं नहीं जरूरत। अच्छा मुझे पहले बताए बाबर आजम के हवाले से कोई तासरात चेंज हुए कि अभी वैसे ही? वैसे ही हैं, चेंज नहीं होंगे जब तक ये चेंज नहीं होगा। गैरत की गोली नहीं खाएगा हमारे, मेरे भी तासरात चेंज नहीं होंगे। तो आपका कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होने जा रही है और आपका किंग वापसी आ रहा है खेलने के लिए, क्या कहेंगे, दो दिन बाद वापस देखेंगे किंग को। किंग की सेंचुरी नज़र आ रही है मुझे तो। शुभमन गिल, ये शुभमन गिल विराट कोहली तेंडुलकर अपने दौर के वो भी सेंचुरियाँ करते थे, माफ़ियाँ मांगते थे कि यार ये बंदा आउट हो तो आगे कोई खेले, मगर ये विराट कोहली शुभमन गिल और ये एक ही है सेंचुरियाँ करके जाना। यार पता है क्या है, जैसा है कि पाकिस्तान में बॉलर पैदा होते हैं वैसे इंडिया में किंग ऑफ के में बड़े बड़े बॉलर आए हैं, जैसे कि दुनिया का नंबर वन तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर है। इंडिया में गोट ऑफ क्रिकेट पैदा होते हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, शुभमन गिल हो गया, रोहित शर्मा हो गया, तो भाई वो उनमें पैदा होते हैं गोट ऑफ क्रिकेट। अच्छा सर मेरा आपका सवाल ये है कि अगर हम अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारे बाबर आजम साहब कैप्टन को तो ले लें, इंडिया की धरती में बैट्समैन पैदा होते हैं किंग। अच्छा। हाँ किंग या किंग, किंग पैदा अगला किंग शुभमन गिल को देख रहे हैं आप? हाँ अगला किंग देख नहीं रहे, वो किंग बन गया है। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं आप कि आज बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो जो कि नेपाल के स्कोर भी अपने रैंक ऊपर लेके हैं, वो इतना कॉन्फिडेंस हो क्या ना जी, हमने सेमीफाइनल आना, हमने फाइनल को कप लेके आना, क्या कहेंगे? वो सही कह रहे हैं हिजड़ों के कैप्टन साहब, सही कह रहे हैं कि हमने सेमीफाइनल में नहीं जाना, डायरेक्ट फाइनल में आना है। और इनकी टिकटें फाइनल होंगी कि आप सबसे जल्दी आप वापस जाएं अपने देश, अपने वतन वापस लौट के जाएं, तो ये नहीं जीत सकते। मुझे स्क्वाड जो आया है, स्क्वाड जो आया है तो उस पर ये इतना कॉन्फिडेंस हो के बाबर आजम बात कर रहे हैं, तो सेमीफाइनल में तो मुझे तो लग रहा है सेमीफाइनल में नहीं पहुँचेंगे। नहीं भाई ये तो ख्वाब ही देख रहे हैं कि सेमीफाइनल में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे। और भाई ये आयरलैंड से ही जीत लें तो बड़ी बात है, आयरलैंड की भी टीम बहुत अच्छी टीम है, ये उनसे भी जीत लें तो बड़ी बात है। उसके बाद बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यार ये उनसे ही जीत लें तो वर्ल्ड कप समझो जीत लिया इन्होंने। अच्छा आपने बोला कि जैसे उनसे ही जीत लिया, मुझे अब ये बताया आप फाइनल के आप क्या देखते हैं कि अभी तो जा रही टीम इंडिया जा रही है, तो क्या वापसी तकरीबन 10 मैचों के बाद वापसी होगी इनकी? 10 मैचों के बाद 10 पूरे खेलने ही नहीं इन्होंने। अच्छा पहले टीम फाइनल से बाहर हो जाएंगे, कप से बाहर हो जाएंगे वो कह रहे हैं। मैं सेमीफाइनल नहीं जाऊंगा, मैं कप लेके आऊंगा। हाँ कप लेके आएगा, हिजड़ों को साथ लेके जाएगा और बोलेगा इनको गांड दो इंडिया वालों को, हमें कप दे दें ये वो ले दे देंगे कप। हाँ फिर वो कप दे देंगे अगर बाबर आजम उधर गांड दे के आएगा। अच्छा वो एक हमारे भाई बड़े मशहूर है बाबर घंटा कहते हैं, तो क्या बाबर घंटा है कि बाबर हिजड़ा है, आप कन्फर्म करें? बाबर घंटा नहीं है, वो घंटा नहीं है, वो हिजड़ा है। अच्छा लास्ट में अपने देखने वाली कोई ऑडियंस को, अच्छा मुझे ये बताया अब मैच कल होने जा रहा है, क्या लगता है ओडीआई की तीसरी सीरीज कामयाब होगी? अब रोहित शर्मा और अगर हम बात करें किंग विराट कोहली, अब उनकी वापसी है तीनों की, तो आप कह रहे हैं कि जीतेंगे? वो तो पहले ही जीत गए हैं यार, अभी भी आप कह रहे हैं जीतेंगे? अच्छा हाँ। अगर इंडिया 14 अक्टूबर को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच हो, क्या लगता है कि इंडिया जीतेगा पाकिस्तान? डेफिनेटली इंडिया ही जीतेगा। इंडिया का क्यों, इंडिया इतना कॉन्फिडेंट से कहते हैं यार? ये बात है कि वो स्टार्ट अच्छा देते हैं, उनके पास बहुत क्लास के बैट्समैन हैं,
जो हमारी टीम में है वो स्टार्ट अच्छा नहीं देते, ये तो अपनी पॉकेट मनी के लिए खेलते हैं, जेब गर्म करने के लिए खेलते हैं, बल्ला गर्म करने के लिए नहीं खेलते। अच्छा, आज आप कुछ मज़ा नहीं आ रहा लोगों को, कुछ मसाला क्या वजह है आज कुछ बोल नहीं रहे आप? आज तबीयत थोड़ी सी मूड ऑफ है थोड़ा। अच्छा, आपको जो पसंद करते हैं देखने वाली ऑडियंस को लास्ट में मैसेज देंगे? हाँ, लव यू इंडिया यार। ओके, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसलान वकास। अच्छा यार, मैं आपको बताता चलूँ, ये चैनल अरसलान भाई का है और आप लोग देखते होंगे अगर अरसलान भाई इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो आज हम अरसलान भाई का इंटरव्यू करेंगे और इनके नॉलेज से हम ज़रा मुस्तफ़ीद होंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके क्या व्यूज़ हैं क्रिकेट के बारे में। अरसलान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं बिल्कुल। अच्छा, तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन है अरसलान भाई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हमारे बाबर आजम हमारे कप्तान हैं, उन्होंने अपनी टीम के बारे में, उनके जो है अप्स एंड डाउन के बारे में बात की, फाइनल तक हम जाएं, फाइनल का कप लेके आएंगे हम, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आपको क्या चीज़ें उसमें आपने पिक की जो आपको हाईलाइटेड नज़र आई? यार पहले तो हाईलाइटेड जो आपने बातें की हैं जी, हमने जो कि कप लेके रहा, आपका स्क्वाड इतना अच्छा है कि आप कप लेने वाले हो भाई जान, आपको क्रिकेट की पड़ी है, यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी बड़ी आंखों की बीमारी हुई है, वो देखें यार, ये वाकई यार, ये वाकई ये इधर आए भाई आप, इधर यार, ये आंखों की बीमारी, आप बजाय अपने YouTube चैनल के आप लोगों तक पैगाम पहुँचाएं कि यार अपनी केयर करें, एनक ग्लासेस का यूज करें, ये देखें भाई ने ग्लासेस लगाए, भाई ये देखें क्या एम 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 यार, ये भाई, ये अरसलान भाई को लगा, नहीं अरसलान भाई को नहीं याद, यार मेरी बात, दिस इज नॉट फेयर ब्रो। अरसलान भाई आपको, आप ना देखें, ये बीमारी वाकई बहुत ज्यादा फैल गया है, मैं कहता हूं क्रिकेट से पहले ना आप इसके बारे में बताएं कि इससे कैसे बचना है। यार ये देखे आप, पहले तो ये आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं ना, ये अच्छी बात है, ग्लासेस लगाए रखो और किसी का देखो, अब बंदा रात को भी ग्लासेस लगा के सोए, वॉशरूम में जाए ग्लासेस लगाए, क्या करे बंदा, अब इसका कोई हल बताओ ना आप। यार अरसलान भाई डॉक्टर नहीं है, अरसलान भाई, अब डॉक्टर भाई डॉक्टर नहीं है, अच्छा चैलेंज ये बताएं, कब बताएं यार, ग्लासेस लगाओ रात को सोते हो, कब ये देखें, ये भाई ने भी लगाई है, भाई जान आपको बीमारी हुई है, ये देखिए क्या बीमारी है बोलने की, ये गूंगे अल्लाह ऐसे भाई जो होते हैं ना यार, जल्दी मर जाते हैं। असल में इनका चैनल ही इतना बड़ा कि कोई बंदा, इतना बड़ा चैनल है कि मतलब कोई अहले इलम तो बात करता ही नहीं है, तो डेढ़ कनाल जैसा मुंह है। मैं की कह रहे हैं अरसलान भाई, मेरे चेहरे से मनु चुकता लाई जा रहे, असल में ना अरसलान भाई बड़े खुश मिजाज बंदे हैं, तो आप इनको कुछ भी कहें माइंड नहीं करेंगे, तो माइंड क्या यार, मैं इस बात पे बहुत इस पे गुस्सा आ रहा है मुझे कि ये क्रिकेट की माँ बहन में लगे हुए हैं, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसने पिछली दफा भी की थी कि हम कप लेके आएंगे, पिछली दफा क्या लेके आए बाबा जी का ठुल्लू, इस दफा क्या लेके आएंगे वो, हम जब नहीं। अच्छा यार भाई, आप कैमरे की तरफ देख रहे हैं, अरसलान भाई को अच्छी सी जुगत मारे, अच्छी सी मजा आए, ऐसा मुंह की जी मैं कवर ते पुठा लोटा पाया हूं। अरसलान भाई क्या सुन रहे हैं यार मुझे ना, अच्छा आप ना अरसलान भाई को एक गाली डालने करी, उन्होंने ये वीडियो कट की, तो इरी बीरी जो वीडियो कट की तेरी बहन दी, अच्छा यार मुझे बताओ, आपने जो स्क्वाड हमने जो दिया है, आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या हमारा वो इंडिया स्क्वाड दी मर्जी दे दे नहीं चलेगा, ठीक है ना, बस नहीं, पिछली दफा कितना बड़ा स्कोर था, क्या बना है, पिछली दफा भी बाबा जी का ठुल्लू लेके वापस आ गए, आके ऐसे चौकियां मार रहे हैं, शादियां करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के लिए अपनी परफॉर्मेंस दें, उसके बाद जितनी मर्जी आप पहले बीमार हैं, मुझे एक बात बताएं, जब वो बाबा जी का ठुल्लू कहता है हंसते क्यों है, आपको कोई लिंक है ठुल्लू के साथ, क्या आपने कभी ठुल्लू लिया, यार कपिल शर्मा का एक शो था, क्या आपने कभी ठुल्लू देखा, बाबा जी का ठुल्लू कहता था, आपने ठुल्लू देखा है, ठुल्लू देखा कभी, यार देखा कभी अंधेरे में ठुल्लू देखा हो, आपके जगमग होगी, कभी आप बाजार जा रहे हो, दो बंदे आए आपको ठुल्लू दिखा के चले, भाई के बाइक पे बैठता पीछे वाला इसका ठुल्लू दे देता है, यार वो कौन से ठुल्लू की बात कर रहे हो आप, जो आप समझ रहे हो, मैं तो समझ नहीं रहा, हम कोल्ड वर्ल्ड में बात कर रहे हैं ना, आप समझ, अच्छा आपको मुझे बताया, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे माइक दे दो, अच्छा मुझे आपने ठुल्लू पकड़ लिया, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है, अच्छा मुझे आप दोनों बताओ, बाबर आजम कैसे कैप्टन है, कैप्टनसी थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन वो अपनी फ्रेंडशिप को आगे लेके जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो अभी वो किसी और को नाले वर्ल्ड कर दो, बाबर आजम कैप्टन है, कहीं नहीं रिजवान कैप्टन है, बाबर आजम कैसा कैप्टन है, अच्छा चले यार वही कैप्टन है, हम तेनु केला दे दिए, दास्ता दिता नहीं, वो कह रहे हैं यार ये
ये मेरा ही शुगर लगा रहे हैं। शुगर नहीं है, ये बात सच है। बीमारी फैली हुई है, लोग आपको के साथ प्यार है नहीं, वजह से आपको मैच की पड़ी है। अपने अपने कह रहे हैं कि चैनल ऊपर जाए, उसको बाबा जी का ठुल्लू जाएगा, कैसे जाएगा ये देखे, मेरी आंखें देखे आंखों में यार, देना क्या है यार, क्या मसला है। अच्छा लास्ट में कोई बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम मैं हूँ बहुत अच्छा प्लेयर, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी देवे, ये मेरा, लेकिन मेरा। उन्हें लंबी जिंदगी देवे, लेकिन उन्हें ये चाहिए वा कि थोड़ा जहा ना पॉजिटिव वे ना सोचे कि फ्रेंडशिप एक साइड पर रखे, फ्रेंडशिप एक साइड पर रखे, उस तो बाद जो कोई अच्छे प्लेयर है उन्होंने अगे लैके आए। ये नहीं गा कि फ्रेंडशिप के तौर पर तुम ही आ जा भाई, तुम ही आया, ये तो वो ही हो गया रिश्तेदारी पालन वाली। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किया उन्होंने, हमें सेमीफाइनल नहीं, हम कप जीत के आएंगे, ये वो मेरी बात सुनो, उसने पिछली दफ़ा भी कहा था कि एशिया कप हम जीत के आएंगे, क्या बना नहीं जीत के, नहीं जीत के आए, सेमीफाइनल तक ऊपर से हमसे हैं, सेमीफाइनल तक नहीं गए, तो यहाँ वो कप की बात कर रहा है। अगर वो कप जीतना होता तो पिछला जीत के दिखाता कि मैं जीत के आया हूँ। पिछली दफ़ा देखो इंडिया के कितने पॉइंट थे, अब इंडिया में देखो कप जीत के जा चुका है वहाँ। अब देखो पाकिस्तान, पहले क्या था पाकिस्तान में और श्रीलंका में हुआ था, अब सारा ही वर्ल्ड कप कहाँ है, इंडिया में है, तो क्या करेगा पाकिस्तान वहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है ना, फारग है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इंडिया पाकिस्तान आया या श्रीलंका आया तो क्या था उसके पॉइंट, पाकिस्तान कब आया, श्रीलंका आया था, पाकिस्तान जानते ही नहीं, श्रीलंका आया था ना, ठीक है ना, आपको उन लोगों ने, उन लोगों ने बाइकॉट किया हुआ कि हमले पाकिस्तान नहीं आना, आपने दवाई दी है, दूर रहे यार, ये जो भी लिया छोड़े आप, ये ड्रॉप्स लिया नहीं, क्यूरिंग लिया, बाबा जी के ठुल्लू के बारे में बताएं, वो इसको दिया था ना इसको पता है यार, मेरा शूट टोला, अब इंडिया ने पाकिस्तान को बाइकॉट किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान में नहीं आके खेलना, हमारे सिक्योरिटीज इशू, तो क्यों पाकिस्तानी ये इशू उठा सकता कि हमें भी सिक्योरिटीज के इशू है, हम नहीं जा सकते किसी और मुल्क में करवाएं, क्यों, तो अब तो इनको हम क्यों गए, अब हमें फ्री की टिकट मिल रही है, वैक्स होने के लिए सब कुछ मिलता है, दुबई दुबई में होता तो दुबई में ये चीजें ना होती, होती हैं, लेकिन वो दूसरा मुल्क है, इंडिया में इंडिया का मुल्क है, इंडिया में इंडिया का, इंडिया पहले भी वर्ल्ड कप जीत, एशिया कप शेखों के लोड़े बहुत बड़े हैं, वो के लिए काफी है, पड़दादे इंडिया तो आए ना सांडे का तेल बेचते बड़ा वड्डा कर इनहेरिटेड ने तेल लाया तो एड्डा वड्डा बंदा कढ लैंदा।